आज का ब्लॉग जो है वो तालाब साई के ऊपर है, तो ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। वापस से स्वागत आप सबका एक और नए ब्लॉग में। तो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, इस जगह का नाम है तालाब एसाही। ये बाड़ी कस्बे से 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और मैं आज यहीं का ब्लॉग बनाने वाला हूं। तो फाइनली हम यहां पे आ चुके हैं और आपके लिए एक वीडियो भी लाए हैं। और यहां पे आने का जो समय लगा हमें, 1 घंटा लगा था धौलपुर से। बाड़ी यहाँ से 2 किलोमीटर दूर और रह जाती है। और यहाँ का जो व्यू है वो बेहद ही खूबसूरत है, जिसके बारे में जो भी बातें हैं वो भी आपसे आज इस वीडियो में करेंगे। और यहाँ पे आने के लिए जो रास्ता है वो बेहद ही खूबसूरत रास्ता है। तो आप जब कभी भी यहाँ आने की सोच रहे हो तो बेस्ट लोकेशन है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप आ रहे हो तो आ सकती हो, क्योंकि मैं यहाँ पे पहले एक बार और आया था। मैं तब यहाँ की जो कंडीशन थी, एक तरह से आप कह सकते हो पहले ये बिल्कुल खंडर था, लेकिन अभी सरकार ने इसके लिए बजट पास कर दिया तो ये बन चुका है और काफ़ी अच्छा भी लगता है फिलहाल देखने में। पहले इतना अच्छा नहीं लगता था। आज का ब्लॉग जो है वो तालाब साई के ऊपर है, तो ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। हमने अपनी बाइक वहाँ पार्क की है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरी बाइक दिख रही है। यहाँ से हमने एंट्री ली और यहाँ पर सीधा एक रास्ता मिलेगा पानी के बीचों बीच ले आने के लिए, जो कि लोग वहाँ पर नहाते हैं। और ये व्यू है कुछ तालाब साई के साइड का, और इस साइड आप देख सकते हो। और यहाँ पर कुछ रूल्स जो भी बता दिए गए हैं और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। आप खुद मेरे सामने देख पा रहे होंगे कि यह है कितना खूबसूरत है। और मैं आपको इसका व्यू दिखा दूँ कि क्या है, कुछ ऐसा व्यू है यहाँ का। और आपको एक बात और बता दूँ, घूमने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। जब मैं यहाँ पर पहले आया था तो ये जो आप देख रहे हो ये सारी नई लगाई गई हैं। ये जो नीचे आप देख सकते हो ये तो पहले थी, लेकिन इसके अलावा ये जो आप ऊपर देख रहे हो ये सारा नया मरम्मत करके बनाया गया है। और ये भी पहले था। और इस साइड कुछ कुछ पार्ट्स हैं जो टूट गए थे वो भी बनाए गए हैं नए। और उस साइड भी एक महल है, आप देख सकते हो वहाँ पर, इसका आखिरी महल है। वहाँ पर भी आपको ले जाएंगे, आपको वहाँ का भी दिखाएंगे और आपको इधर भी लेके जाएंगे। ये महल देख रहे हो आप, तो यहाँ पर गवर्नमेंट टेम्पल रहते हैं और वहाँ पर हम जाएंगे ज़रूर, लेकिन आपको हो सकता है कि अंदर से ना दिखाएँ। यहाँ पर एक गेट भी है जो आप गेट देख रहे हो, यहाँ से इसके अंदर ले जाऊँगा आपको। यहाँ पर इसके अंदर जाते हैं और आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं कि आखिर इसके अंदर का क्या व्यू है। एंटर करके कुछ ये व्यू है यहाँ का ऊपर का, जो इसकी बिल्डिंग है। काफ़ी संख्या बंदर भी है यहाँ पर। तो कुछ ये व्यू है यहाँ का, देख सकते हो। मैं आपको थोड़ा अंदर से और दिखा दूँ। मैं आपको बता दूँ, जितना भी तालाब साई की जितनी भी इमारतें हैं वो सारी द्वारा से बनवाई जा रही हैं। हम देख सकते हो सभी में मरम्मत का काम चल रहा है। और दोस्तों बात करें इसके निर्माण के बारे में, तो कब और किसने बनवाया था, तो इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन निकलती है तो वो ये है कि इसका जो निर्माण है वो 1617 ईस्वी में सांझा के द्वारा करवाया गया था। सो गाइस, अभी आप मेरे सामने देख पा रहे हो मैं अब उस जगह पे आ गया हूँ जहाँ से तालाब साई की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब यहाँ से देखने में यह हद से ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। उसकी वजह यह है कि ये जो जगह है वो पानी के बीचों बीच स्थित है, और यहाँ से जो तालाब साई का व्यू मिलता है वो नेक्स्ट लेवल होता है। तो कुछ ऐसा व्यू है यहाँ का। और मैं आपको ये बता दूँ कि हम यहाँ पर जब आए थे तो इस रास्ते से हम यहाँ पर आए थे। आप देख सकते हो कुछ ऐसा व्यू है यहाँ का। तो गाइस, जब मैं यहाँ पे एंटर कर रहा था तो मैंने स्टार्टिंग में एक बोर्ड देखा था जिस पे लिखा हुआ था कि तालाब साई के अंदर कूद के या छलांग लगा के नहाना सख्त मना है। बाकी यहाँ पे ग्रामीण एरिया के लोग नहाने आते हैं, वो किनारे पे बैठ के नहाते हैं। तो सब एक्सप्लोर कर लिया है, इस पर भी आपको ले गए थे। तो अभी चलते हैं इस साइड स्थित आखिरी महल, तो अभी वहाँ पर जाके आपको उसका व्यू दिखाते हैं। तो फिलहाल तो मैं आपको बता दूँ, ये जो पूरा तालाब साई है वो हम आपको दिखा चुके हैं। इसके बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो भी आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। तो जिस महल की ओर आपको ले जा रहा हूँ वो उस साइड है, आपको देख सकते हो, थोड़ा थोड़ा दिख भी रहा होगा। तो वहाँ पे जाके उसको बताते हैं और फिर करते हैं वीडियो का एंड। यहाँ पर स्थित आखिरी इमारत पर हम आ चुके हैं। ये इसका कुछ व्यू है, तो पहले के मुकाबले ये बिल्डिंग काफ़ी अच्छी दिख रही है, क्योंकि मैं यहाँ पर काफ़ी साल पहले भी आया था तो मेरे पास वो भी वीडियोस हैं। वो आपको एक साइड में वीडियो
लगा दूंगा, आप देख लेना कि पहले के मुकाबले ये कितनी सही है। फिलहाल आप देख सकते हो यहाँ पर ये लगे हुए हैं, तो काम अभी चल रहा है यहाँ पे, तो इसकी जो मरम्मत है वो की जा रही है क्योंकि ये बिल्कुल ध्वस्त हो चुके थे। तो ये है कुछ इसका अंदर का व्यू, और यहाँ पर कुछ सामान रखा हुआ है इसको बनाने के लिए, और आप देख सकते हो ये अभी फ़िलहाल ये इसकी मरम्मत जारी है, बारिश का मौसम है तो हो सकता है फ़िलहाल बंद कर दी गई होगी। तो ये तो है इसका अंदर का व्यू, और ये तालाब साई पर स्थित आखिरी इमारत है। मैं आपको वीडियो ज़रूर दिखा दूंगा क्योंकि आप देखना कि पहले जब मैं यहाँ पर आया था तब से लेके अब तक कितनी ज़्यादा चेंजिंग आ गई है इसमें। यहाँ पर पहले पूरे में यहाँ पर घास फूस हुआ करती थी और कोई भी अच्छी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अभी फ़िलहाल देखने में ये काफ़ी अच्छी लग रही है। और मैं आपको इसके अंदर जाके दिखाता हूँ कि इसके अंदर आखिर कैसा व्यू है, क्योंकि जब मैं पहले आया था तो भी मैं यहाँ पर आया था, तो ये आप देख सकते हो। मैं यहाँ का भी फ़ोटो या कोई वीडियो मैं यहाँ पर लगा दूंगा जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये पहले कैसा दिखता था। तो ये तो है यहाँ पर स्थित आखिरी महल का व्यू, और बाकी मैंने आपको सब कुछ दिखाई दिया है। पहले जो तालाब सही का व्यू दिखा दिया है, मैंने जो महल थे उस साइड वो भी दिखा दिए हैं। तो 2022 के अंदर कुछ ऐसा व्यू था, पूरा तालाब सही का व्यू, और इससे जुड़ी कुछ नॉर्मल बातें। तो फिलहाल तो हम इतना भी था हमसे कवर किया गया, हमने कवर किया और आपको इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई। तो अब निकलते हैं घर के लिए क्योंकि यहाँ पे हमें टाइम भी काफ़ी हो गया, क्योंकि बहुत देर से यहाँ पर बारिश हो रही है और बारिश होने के कारण हम वीडियो शूट नहीं कर पाए। तो फिलहाल आप देख सकते हो धूप निकल आई है, और अभी मैंने वीडियो को वहाँ पे जाके आपको बताया था, उस महल पे जाके वीडियो का एंड किया, क्योंकि उस महल पे अभी हमें आधे घंटे से ज़्यादा हो गया बैठे बैठे क्योंकि बारिश बंद नहीं हो रही थी। तो फिलहाल तो गाइस वीडियो का एंड करते हैं, और आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो अच्छा लगा है तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और एक कमेंट जरूर करना, और हो सकता है तो अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करना। तो चलिए वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नई और अच्छी जगह पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक